डीजल मालिक गाड़ियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपके पास डीजल गाड़ी है और वो गाड़ी खड़ी है तो इंतज़ार ना करें, अब उसको बाहर निकालें, क्योंकि खुशखबरी ये है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत ने एक मीटिंग में ये बोला है कि जिसके पास डीजल गाड़ी है अब वो खड़ी ना होकर अब गाड़ियाँ रोड पर दौड़ेंगी। अब दौड़ेंगी अब क्या होगा, अब बहुत नई जनरेशन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चीज़ें आ रही हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी व्हीसल्स दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं, एंट्री करने वाले हैं, तो क्यों ना डीजल गाड़ी को भी अब कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिक में। तो दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हम अब जितने भी पेट्रोल गाड़ियां हैं या डीजल की गाड़ियां हैं चाहें तो वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी इनको इजाज़त है। दूसरी बात, L5 थ्री पहिया बहाल माल वाहक को अब दिल्ली में एंट्री है, उनके लिए कोई रोक नहीं है। N1 श्रेणी के माल वाहक जिनका क्रॉस वेट 3.5 टन वेट से ज़्यादा नहीं है, उनको दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाज़त अब है, अब उनके लिए कोई मना नहीं है। अब हर गाड़ी बनेगी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीसल, आपको इंतज़ार करना है केवल उस सही समय का जब आपकी गाड़ी मार्केट में उतरेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और ये जो सारी खूबियाँ, ये सारी चीज़ें जो लेके आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके, मैं जो डीजल गाड़ियां हैं जो नहीं चलती थी अब उनको चलने की परमिशन है, पर शर्त ये है कि उस गाड़ी का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा हो, उसका कंडीशन अच्छा हो और वो गाड़ी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट की जाएगी, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि आपकी गाड़ी मेहनत से कमाई ही की पैसों से गाड़ी आपने खरीदी है तो क्यों खड़ा करें उसको, अब रोड पे लेके आएँ, रोड पे चलाएं और रोड के लिए एक सुहाना सफ़र बनाएं। तो इंतज़ार कीजिए उस सही समय का जब आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक सिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको कहीं भी डीजल या पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद आप अपने घर से बैटरी को चार्ज करेंगे और सफ़र में लेके जाएंगे, फिर घर पे आएंगे, फिर बैटरी को चार्ज करेंगे, तो कितना खर्चा आएगा, बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस पर आपकी गाड़ी चलेगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और मैं आपको जो बयान दिए गए हैं मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ऊपर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, इसमें साफ साफ शब्दों में जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो जो हमने आपको बताया है वो सब साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ वहाँ मेंशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सर वीडियो समाप्त करता हूँ, जय हिंद जय भारत।